ये अंगूठे से अंदर को दबाएंगे ऐसे, और इसकी जो पत्ती है ना ये बाहर आ जाएगी, ये देखिए ये बाहर आ गई, और इसको बाहर खींच लेंगे, ये देखना। और इसमें जो है ना ये स्प्रिंग है। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जैसे सिलाई मशीन में हम जो है बोबिन कैच लगाते हैं, इसको डब्बे भी बोलते हैं, और इसको लगाने के बाद क्या होता है बाजी दफ़े, जैसे हमने इसको लगा दी और ये बार बार जो है अपना आप बाहर निकल आती है या फिर घूमती है। इसकी जो पत्ती है ना दोस्तों, इसकी तो पत्ती है ठीक है, और ये पत्ती ढीली रहती है इसकी, या ये जो पत्ती है ना जैसे आप पकड़ के देखोगे तो बोर्ड इसको लगाने के बाद क्या होता है ढीली हो जाती है ये पत्ती, ऐसे ही बहुत काफ़ी ढीली रहती है ये जो पत्ती है। इसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूँ इसको कैसे ठीक करना है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। दोस्तों इसका जो कब्जा है ना ऊपर वाला, ये इसको बाहर निकालना है। इसके पीछे एक स्प्रिंग होता है, उसको गौर से देखना कि वो क्या काम करता है। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, इसको ऐसे उंगली से ऊपर को उठा लेंगे, और इसका जो है ना ये अंगूठे से अंदर को दबाएंगे ऐसे, और इसकी जो पत्ती है ना ये बाहर आ जाएगी, ये देखिए ये बाहर आ गई, और इसको बाहर खींच लेंगे, ये देखना। और इसमें जो है ना ये स्प्रिंग है, ये देखिए बहुत बारीक स्प्रिंग होता है। जो जो बात मैंने आपको बताई है ना दोस्तों, जैसे कि ये पत्ती है, जैसे मैंने उसमें शटल में आपको लगा के दिखाई थी, यहाँ पे बाजी मशीन में क्या होता है पत्ती जो है ढीली हो जाती है, वो कारण होता है इस स्प्रिंग का। ये जो स्प्रिंग है इसमें, जैसे स्प्रिंग है ना ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक सुराख है ये वाला, इसमें स्प्रिंग डला हुआ होता है ये, यहाँ पर ऐसे। ये जो स्प्रिंग है ना दोस्तों, इसमें क्या है जाम हो जाता है, जाम या तो जाम हो जाता है इस वजह से, या फिर इसका जो स्प्रिंग है ना जैसे बाहर निकल रहा है अभी दिख रहा होगा आपको, या फिर ये छोटा हो जाता है दब जाता है, ये जो है ना क्या होता है अब तो ये हार्ड है और ये मुलायम हो जाता है। इसको क्या करेंगे हम, जैसे पत्ती हमारी ढीली हो जाती है, इसको हल्का सा ऐसे थोड़ा सा हाथ से इसको बढ़ा लेंगे, ताकि जो यहाँ तक है ना यहाँ तक ये आना चाहिए इतना, इसकी जो पत्ती है ना फिर अच्छे से काम करेगी। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से साफ करके लगाएंगे हम, और फिर देखना इसको क्या करना है दोस्तों, इसकी सफाई करेंगे अच्छे से। ऐसे कपड़ा ले लेंगे और कपड़ा रख के पेचकस से इस पर अच्छे से सफाई करेंगे इसकी, और ताकि इसमें तेल पानी देंगे अच्छे से, और तेल पानी देंगे इसमें और अच्छे से तब लगाएंगे, ताकि जो इसका स्प्रिंग है ना बिल्कुल अच्छे से काम करे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और ये पत्ती भी, और लोग इसका अच्छे से लगाएंगे। जैसे हमने साफ कर लिया दोस्तों, अब इसको जो है ना स्प्रिंग को इसमें डाल लेंगे यहाँ पर ऐसे ही, और ये इतना ध्यान रखना इतना जो है रहना चाहिए थोड़ा सा बाहर, स्प्रिंग इसके अंदर ना हो, इसके अंदर अगर ये रहेगा ना तो क्या होगा पत्ती हमारी डेली होती रहेगी बार बार। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हिस्सा है इसका ये वाला, इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पर ऊपर से, ठीक है ऐसे दबेगा ये, ऐसे काम करेगा स्प्रिंग। ये देखिए ये जो है ना पत्ती, और ये जो इसका खांचा है पत्ती का, इसको स्प्रिंग को दबाएगा ये ऐसे ऐसे, ये देखिए इसमें हल्का सा जो है एक बूंद मशीन का तेल डाल लेंगे स्प्रिंग के अंदर ऐसे खड़ी करके बस, और ये फिर अच्छे से काम करता रहेगा, आपकी जो डिब्बी है ना ये सिलाई मशीन की जल्दी से ख़राब नहीं होने की। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है इसका जो लॉक है ये वाला, ये फंसाएंगे ऐसे, इसको दबा लेंगे अंदर को अंगूठे से, इसको यहाँ पे लाना है, ये जो है ना इसका ये लॉक, ये जो इसका लॉक के जो खांचे हैं ना यहाँ पे फंसेंगे पीछे, इसको अंगूठे से बिल्कुल ऐसे कर लेंगे बिल्कुल पीछे। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे फंसा लेंगे, ये देखिए ऐसे लग के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये जब हम आगे लगाएंगे आगे सिलाई मशीन में कभी भी, तो जल्दी से जो है इसकी दिक्कत नहीं होने की। और ये पत्ती देखिए अब हार्ड भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने आज आपको इस वीडियो में बताया कि डब्बे की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, इसको खोल के हमने अच्छे से आपको समझाया है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हम सिलाई मशीन की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहे। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, और आप हमारे साथ बने रहें।